तो राम राम भाइयों, स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हो भाइयों आप? तो भाइयों, जो मेरे पीछे आप ये गाय माता देख रहे होगे, ये गिर नस्ल की गाय है। ये भाइयों किसी ने छोड़ दी है और इसका एक बछड़ा भी है। और इसके जो बछड़ा है उसे भाइयों कुत्ते ने इसका काट भी लिया, मतलब उसके कान पे। अभी भाइयों उसे हम लेकर आए थे, रात बाहर फिर रही थी उसे, नहीं तो उसे कुत्ते फाड़ देते। एक बछिया पहले भी लेकर आए थे, मैंने आपको दिखाया था। अब इसी गाय को दिखाता हूँ भाइयों मैं, इसकी अब क्या हालत है यार, इसके मालिक ने इसे क्यों छोड़ दिया वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो भाइयों पहले तो आप एक बार गाय की कंडीशन देख लो, बिल्कुल भुक्की मार रखी थी इसे भाइयों, बिल्कुल इसकी कोख भी भीतर जा रही थी। और ऐसी बात नहीं है भाइयों, ये गाय दूध नहीं देती, दूध है इसके नीचे। और इसका बछड़ा देख लो एक बार, 3 महीने के करीब का इसका बछड़ा है यार। इसके कान पर देख लो आप, दिख रहा होगा कुत्तों ने काट रखा भाइयों इसे। लाते ही हमने रात रात ऐसा हुआ भाइयों, यो 11:30 बजे के करीब मैं बैठा फ़ोन चला रहा था, मुझे आवाज़ आई, यो बहुत सारी आवाज़ लगाती फिर रही थी जैसे आप बोल रही। तो भाइयों किसी ने नहीं देखा, बाहर निकल गए, मैं गया, मैंने देखा, मैं कहा भाइयों यो बहुत आगे जा ली थी, मतलब हमारे घर से लगभग 400-500 मीटर आगे जा ली थी। मैं गया सब पकड़ी, मैंने देखा भाइयों उसकी आंखों से पानी चल रहा, बेचारी रो रही थी यार। फिर इसे मैं पकड़ के लिया अपने घर। वैसे तो भाइयों हमारे पास में पशु बहुत है, मतलब एक गाय, मतलब हमने पहले सेल करी थी, एक कटरा सेल करा था, अब जब पशु थोड़े कम हुए थे, एक यो बछिया थी दिखाई थी, यो बाहर फिर रही थी भाइयों, मैंने आपको दिखाई थी, इसे अभी पकड़ के लाए थे कुत्तों से बचा के। हमारे यहाँ के जो कुत्ते हैं भाइयों बहुत ज़्यादा जानलेवा है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ते नहीं, बिल्कुल हमला कर दे। और भाइयों जो अब जो गाय पकड़ कर लाया मैं, इसके बछड़े पर भी देख लो, आपको दिखा रखा मैंने, पहले भी हमला कर रखा था। और इसकी जो हालत थी भाइयों बस पूछो ना, बिल्कुल भूखे मर रहे थे दोनों, माँ भी और इसका बेटा भी। वो बछड़ा किसी ने ऐसे ही मतलब दूध पी के ऐसा घर से निकाल दिया, और निकालना क्यों भाइयों वो भी बताऊँगा मैं। इसका भाइयों स्किन एलर्जी है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा एक बार, इसके थनों में देखो आप, दिख रहे हो गए आपको सफ़ेद सफ़ेद दाने से, दाने से इसके भाइयों ऐसी मतलब सारे शरीर में हो रहे थे। अभी हमने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने मतलब इसे दूध तो पी लिया सर, जब इसके एलर्जी सी होगी तो सर ऐसे ही छोड़ दिया भाइयों से, इसकी दवाई नहीं करवाई, ऐसे नहीं आया कि वो सही नहीं हो सकती। हमने अभी अभी डॉक्टर बुलाया अपने गाँव के, बहुत ज़्यादा समझदार डॉक्टर है भाइयों वे, उन्होंने भाइयों से देखा अच्छी तरीके से, उन्होंने बताया नू का भाई इसके एलर्जी हो रही है, उन्होंने दवाई दी इसकी। और भाइयों मैंने अभी इसे दवाई पिलाई इसकी थोड़ी सी, और अब जब मैं इसे अच्छे से नहलाऊँगा और इसे बिल्कुल भाइयों सही करके बिल्कुल दूध दाद जब देने लगेगी हो, हम किसी भाई को भी अगर चाहती हो गिर गौ माता सेवा करने के लिए फ्री में ही दे देंगे भाइयों इसे बिल्कुल। अभी तो मतलब हम किसी को देने के नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अभी जो इसकी कंडीशन है, कोई ले कर भी जाएगा हम सेवा कर लगे, वो 2-4 दिन रख के इसकी दवाई नहीं करवाने का बढ़िया तो ऐसे छोड़ देगा। अभी तो भाइयों हम किसी को देते नहीं से, मतलब बिल्कुल जब इसके ये हार्ट दिख रही है आपको, हड्डी दिख रही हो बिल्कुल, मतलब सही हो जाएगी एलर्जी इसकी, सही हो जाएगी बिल्कुल दवाई कम्प्लीट करके बिल्कुल इसकी। और इसके बछड़े का भी कान जब सही हो जाएगा, इसे भी बिल्कुल सही करके, इसे जब भाइयों किसी को भी दूध पीने के लिए चाहती हो या गौ माता की सेवा करने के लिए चाहती होगी तो हम दे भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी तो भाइयों हम इसे अपने पास में ही रखेंगे, इसकी सेवा करेंगे। जो हमारा वहाँ भाइयों पशुओं का कमरा है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको अंदर से, ये देख लो भाइयों रात को जो है हम अपने पशु यहाँ बांधते हैं, देख लो यहाँ काफ़ी गोबर पड़ा, तो यहाँ से इतनी जगह नहीं थी जो इसे हम यहाँ बांधते, हमने ऐसा दूसरे कमरे में इसका बांधने का जुगाड़ करा। तो देख लो भाइयों ये हमारा भूस वाला कमरा है, मतलब इसमें ही हमने यहाँ से इसे ला कर बांध दी थी रात, यहाँ बहुत सामान था, ये हमारी चक्की थी चून पीसने वाली, मतलब आटा बनाने वाली, जो यहाँ थी बहुत सामान लग रहा था भाइयों, एक संदूक था बहुत पुराना, वो हमने सब हटा के यहाँ से कच्चा है भाइयों, यहाँ से बहुत आराम से मजे में बैठी है हमारी ये गाय माता, यहाँ इसका खुट्टा गाड्डा, एक उसके बछड़े का वहाँ गाड्डा, और इसे यहाँ बांधी। जब जाके भाइयों हम रात सोए लगभग हमें 12:30-1 बज गए थे। तो भाइयों मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी
अपनी गाय का या कुछ भी, मतलब अगर दूध पीता है कोई भी हो सकता है भाई, उसमें अगर दूध पीता है यार, इसका कुछ बात हो जा, इसे बीमार हो जाए, कोई बीमारी लग जाए इसके, तो भाइयों से बिल्कुल सही करवाने का, डॉक्टर से दवाई दिलवाने का भी फर्ज हमारा है, ना कि इसे बाहर काट दो ऐसे ही भाई। अब जब हमने दूध पी लिया, इसका अब दवाई करवाने की बारी आई तो हमने इसे बाहर निकाल दिया, ऐसा ना करो भाइयों, श्राप देती है जो भी इसे ऐसा छोड़ देगा, मतलब बाहर यार, जो भी इनकी सेवा करेगा भाइयों, ने आशीर्वाद भी देती है। हमने इसे सिर्फ इस वजह से पकड़ ली क्योंकि भाइयों यो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी, कोई नहीं पकड़ा था सा, हमें पता भाइयों, और इसके बछड़े को कुत्ते फाड़ देते, देख लो कितना मासूम बछड़ा बेचारा, देख लो बहुत डर रहा बेचारा रात से ही। इन्होंने भाइयों अल्लाह का इन्हें अच्छे तरीके से हमने रात घास खिलाया था, और भाइयों अब जा इसे नहलाऊँगा, मैं नहलाऊँगा शैम्पू शैम्पू से, फिर इसे दवाई दूंगा, और दवाई दे के भाइयों फिर इसे मतलब बिल्कुल सही करके किसी अच्छे भाई को देवेगे, जिसे सही में गौ माता की सेवा करनी हो, ऐसा किसी को नहीं देने के, हम देनी हमें इस वजह से पड़ेगी भाइयों इसे सही करके, क्योंकि हमारे पास आपने देखा पशु बहुत ज़्यादा है, और पशुओं का साधन हमारे पास इतना है नहीं भाइयों, मतलब एक तो बांधने की भी जगह, क्योंकि अब जाग गया गया भाइयों, सर्दी होगी काफ़ी, ऐसा तो हम इसे बांध भी लेंगे, और भी गाय आवेगी भाइयों ने अभी, मतलब ऐसे ही एक बच्ची आई थी, वो इसे भी लेकर आया था मैं हमारे घर का, भाइयों कोई भी मुझे मन ही नहीं करता कि भाई तू क्यों ले आया, क्या करेगा इसका, मैंने देखे बहुत से नो तो इतने फिर रही, अब कहाँ तक इनकी सेवा करेगा, कह दिया बहुत से भाइयों, जहाँ तक हमारे पवेगी हम मन तक करेंगे इनकी सेवा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी भाइयों, और मेरी बातें कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक करना, मिलते हैं अगले एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों।